हेलो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ एल्कली सिलिका रिएक्शन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। सो जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि ऐसी प्रॉब्लम अक्सर हमें कंक्रीट में देखी जाती है। इसका रीज़न क्या है इसके पीछे का? मेनली जो रीज़न है वो है एल्कली सिलिका रिएक्शन। एल्कली सिलिका रिएक्शन एक कंक्रीट कैंसर की तरह है, जो कि कंक्रीट में अगर किसी कोई भी बीम है, कॉलम है या फिर कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसके कहीं एक जगह पे हुआ तो ये बढ़ता रहता है, ये स्प्रेड करता रहता है। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट एक पोरस मटेरियल है और इसमें वाटर का परकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, और जो एल्कली सिलिका रिएक्शन है इसमें ये जो रिएक्शन होता है ये वाटर के प्रेजेंस में होता है। इसको कंक्रीट कैंसर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ता रहता है एक जगह हो गया तो। और इसको स्वेलिंग रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है तो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक्सपेंशन होता है, उसका जो वैल्यूम है वो काफ़ी बढ़ता है। तो देखते हैं कि क्या है इसका मेन कॉज, रिएक्शन में होता क्या है। जो देखिए एल्कलीज जो प्रेजेंट रहती हैं, एल्कलीज कंटेंट जो प्रेजेंट रहते हैं आपके सीमेंट में, सीमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसमें तो 0 से 1% एल्कली कंटेंट रहते हैं। तो वो जो एल्कली कंटेंट है और जो हमारा नॉन क्रिस्टल सिलिका जो कि हमारा एग्रीगेट में पाया जाता है, हमेशा एग्रीगेट बराबर हर तरीके के एग्रीगेट में लगभग पाया जाता है क्रिस्टलाइन सिलिका, ठीक। तो जो क्रिस्टलाइन सिलिका जो है ये और एल्कली इनका रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करते हैं और एक जेल फॉर्म करते हैं, विस्कस जेल फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग सोडियम सिलिकेट बोलते हैं और कभी कभी सोडियम सिलिकेट हाइड्रेट भी मिलता है। तो ये जो जेल होता है यही जो है वो कंक्रीट के वैल्यूम, कंक्रीट में एक्सपेंशन का रीज़न होता है और यही है आपका एल्कली सिलिका रिएक्शन, इजंट इट। सो जो आपका जो जेल है स्वेल करता है आपका, जब भी मतलब जो जेल जैसे आपका बना एल्कली और सिलिका मिलके आपका जेल बना वाटर के प्रेजेंस में तो ये स्वेल करता है, इजंट इट। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इसमें वाटर मिलेगी, ये अगल बगल के सराउंडिंग के मॉइस्चर से भी रिएक्शन करके ये काफ़ी ज़्यादा अपना जो इफ़ेक्ट है ये दिखा सकता है, एल्कली सिलिका रिएक्शन, इजंट इट। कुछ इस तरीके का आप फिगर में देख सकते हैं, ये जेल की तरह बनता है और धीरे धीरे ये ग्रो करता रहता है। जैसा मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको पता चल गया होगा इसका क्यों ये होता है, क्योंकि जो हमारा बहुत सीमेंट में हाई एल्कली कंटेंट मौजूद हैं उसकी वजह से होता है। और जो एल्कली कंटेंट अगर हम बाहरी सोर्स से कहीं मिल रहा है उसको कंक्रीट को तो भी ये हो सकता है आपका ASR एल्कली सिलिका रिएक्शन। रिएक्टिव एग्रीगेट जैसा कि मैंने बताया एग्रीगेट में जो सिलिका पाए जाते हैं उनसे एल्कली का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कहीं ना कहीं रिएक्टिव एग्रीगेट भी रिस्पॉन्स की वजह से होता है ये भी हम लोग कह सकते हैं। वाटर जैसे मैंने बताया वाटर रहेगा जब मॉइस्चर उसको मिलेगा तभी ये रिएक्शन होगा, इजंट इट। नाउ देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर पे इफेक्ट क्या पड़ता है आपका। जैसे मैंने बताया कि इसमें ASR में आपका एक्सपेंशन होता है, सो ऑब्वियसली जब स्वेल होगा तो एक्सपेंशन होगा ही। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैन बी माइनर फॉर द लो एक्सपेंशन, और जैसे जैसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है वैसे वैसे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की डिग्री भी आपकी हायर डिग्री बढ़ती रहती है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये एक एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट पैरामीटर नहीं है आपके जो ASR के फैक्ट को जानने के लिए, मीन्स कि अगर ASR के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक सही पैरामीटर नहीं होगा जिससे कि आप इसके बारे में जान सकें, मगर क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है इसलिए इसको कर लिया जाता है। थर्ड
आपका टेंसाइल और फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी रिसर्च में देखा गया जो भी स्ट्रक्चर आपके फेल होते हैं उसमें 85% से ज़्यादा चांस रहता है कि उसमें ASR अल्कली सिलिका रिएक्शन की वजह से ही हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी लॉस कर देती है ये अपनी ASR रिएक्शन के टाइम पे। थर्ड है फैटिक, आपकी जो बियरिंग कैपेसिटी है, जो भी आपका लोड बियरिंग कैपेसिटी है स्ट्रक्चर की, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे कंक्रीट की लाइफ 70 to 75 ईयर होती है तो उससे भी काफ़ी कम हो जाती है ड्यू टू द ASR। शियर की एक ऐसी चीज़ है जो कि बढ़ती है, अगर हम शियर इन्फोर्समेंट नहीं भी दिए हैं आपके बीम कंक्रीट जो भी स्ट्रक्चर है फिर भी उसकी शियर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इस वजह से। नेक्स्ट है मिटिगेशन, कैसे इससे बचाव मतलब इसको मिनिमाइज कम कर सकते हैं ये जो आपका ASR हो रहा है। सबसे पहले अल्कली मेटल कंटेंट जो कि सीमेंट में प्रेजेंट है उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं, उसमें लिमिटेशंस लगा सकते हैं। दूसरा रिएक्टिव सिलिका कंटेंट जो कि एग्रीगेट में होता है इसमें लिमिटेशंस हम लोग लगा सकते हैं। अब देखिए लिमिटेशन इसमें कैसे लगा सकते हैं, जो कुछ तरीके की वोल्केनिक रॉक्स होती हैं जिसमें वोल्केनिक ग्लास होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आपके ASR अल्कली सिलिका रिएक्शन के लिए। सो इस टाइप की हमें जो रॉक है उससे जो एग्रीगेट बनता है उसको ना यूज़ करें। और जो हमारा बहुत टाइम ये देखा गया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट बहुत लोग का ये सुझाव था कि कैल्शियम कार्बोनेट हम एज एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव भी रहेगा, मगर इसमें कहीं इसको यूज़ करने में कहीं ना कहीं कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ भी खो देगी। तो ऐड वेरी फाइन सिलिशियस मटेरियल, हम फाइन बहुत सिलिका पार्टिकल्स या सिलिशियस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं अपने कंक्रीट में, जो कि क्या करता है स्लो कर देता है जो भी आपका ASR है आपका अल्कली सिलिका रिएक्शन है उसको स्लो कर देता है और रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा डिले कर देता है। जो भी आपका लार्ज साइज एग्रीगेट है उसमें सिलिका प्रेजेंस है जो रिएक्शन करने जा रही है उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आपको डिले कर देता है। तो फाइन सिलिका पार्टिकल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि आपका जो एक्सटर्नल बाहर से जो अल्कली कंटेंट मिल रहा है उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं, उसको हम लोग रोक सकते हैं। नाउ अगर हम देखें तो इसका कोई जनरल कोई सोल्यूशन नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है ASR का, बस हम इसको रिपेयर कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। अगर किसी स्ट्रक्चर में ये मतलब धीरे धीरे हो रहा है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग फिर से रिपेयर कर सकते हैं और हम उसमें एयर टाइट मेम्ब्रेन भी लगा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका जो रिएक्शन ASR रिएक्शन है उसके एवोल्यूशन को उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। बड़े स्ट्रक्चर जैसे डैम हो गया आपका ब्रिज हो गया, तो डैम में होता क्या है कि जल्दी से मतलब जो उसमें बहुत काफ़ी बड़े स्ट्रक्चर होते हैं इनको ईजिली रिपेयर नहीं किया सकता है। तो इसमें जब ASR रिएक्शन होगा तो स्वेल करेगा, जो कंक्रीट है आपका स्वेल करेगा जिसकी वजह से आपका स्पिलवे गेट जो होता है और टर्बाइन के जो ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कत आती है वो कभी कभी ब्लॉक भी हो जाते हैं। तो इस केस में हम लोग जो एक्सपेंशन हुआ रहता है उसको हम लोग कट कर देते हैं, तो कट कर देने से क्या होता है उसको एक रिलीफ मिलता है और फिर वो मशीन दोबारा काम करने लगती है, जो टरबाइन मशीन होगी आपकी जो फिर या फिर स्पिलवे गेट रहेगा वो फिर दोबारा उसका फंक्शन और ज्योमेट्री हम लोग सही कर सकते हैं, इजंट इट। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। थैंक यू।